कांग्रेस के लड़ाई से छात्र आंदोलन उत्पन्न हुआ। अरे 18 पार्टी है और 18 पार्टी के नेता चाहते प्रधानमंत्री जी का प्रयास करें। जय प्रकाश नारायण जी के चित्रों के बगल में देखिए कि नीतीश कुमार खड़े थे। जनता तय करेगी देश में लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस के लड़ाई से छात्र आंदोलन उत्पन्न हुआ और उन्हीं के गोद में कोई खेल रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है। जयप्रकाश नारायण जी के चित्रों के बगल में देखिए कि नीतीश कुमार खड़े थे और जयप्रकाश जी के सारे नीति फेल कर दिए। अब इसमें क्या कहना है। जयप्रकाश नारायण और जिस पार्टी ने 21 महीने तक इस देश में लोकतंत्र समाप्त किया, जिस पार्टी ने लाठियों से गुंडों से पूरे देश को रौंदा, उस पार्टी के साथ यदि ये लोग जाना चाहते हैं तो इसमें दिक्कत क्या। जाए, जनता तय करेगी इस देश में लोकतांत्रिक पार्टी कौन। प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल उठता है, पोस्ट डिलीट कर दिया जाता है। अरे 18 पार्टी है और 18 पार्टी के नेता चाहते हैं प्रधानमंत्री। हम कैसे स्वस्थ हो सकते हैं। योग के बारे में सभी जानते हैं। हमारे यहाँ तो साधु संतों ने इसकी शुरुआत की, मेडिटेशन के तौर पर पूरा अभ्यास किया और पूरे जगत में शांति हो इसके पूरे चीजों को स्थापित। आज नरेंद्र मोदी जी इसी चीज का प्रयास कर रहे हैं कि देश के लोगों को शांति मिले, स्वस्थ रहें और इस देश को महान बनाने में सारे लोगों का प्रयास सफल हो। अगर योग करते तो बिहार सरकार से भी तो है जो भी। अब देखिए प्रधानमंत्री जी कुछ दिनों के बड़े हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से, वो लगातार इसलिए फिट भी रहते हैं कि वो योग के माध्यम से काम करते हैं। नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हम लोग ये भी चाहते हैं कि वो स्वस्थ हों और आधे स्वस्थ रहें, बिहार के विकास के लिए काम करें और बिहार के विकास के साथ साथ इस अपने भी स्वस्थ रहेंगे तभी तो बिहार का विकास कर पाएंगे। सर, मणिपुर हिंसा मामले में जेडीयू ने हमला बोला, कहा कि जो 9 साल बेमिसाल आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, एक तरह से जश्न है, वहाँ कोई लोग नहीं देख रहे हैं, ज्यादातर भाजपा के लोगों को केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये इनको समझने की जरूरत है कि वहाँ पूरी तरह सरकार सचेत है, सारे चीजों को इंटरप्रेट कर रही है। वहाँ देख रहे हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सारी व्यवस्था को भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब लोग पक्षपात वाले नहीं है, वहाँ एक एक चीजों को, एक मामले जो कोर्ट के द्वारा आदेश के दिया गया उसके बाद वहाँ हिंसा फैली, तो ये सारे चीजों पे चिंता किया जा रहा है। और ये बिहार सरकार में जो आज लोग बैठे हैं, इन लोगों ने कितना बिहार को जलाया इसका इतिहास भी नहीं अभी बताऊंगा तो बहुत लंबा लिस्ट बिहार में होने जा रहे हैं क्या। नहीं, जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम अभी पोस्टपोन्ड है, अमित शाह जी का 29 तारीख को बिहार का कार्यक्रम है। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।